अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खरगोन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतरराज्यीय शराब तस्कर गिरोह का किया पर्दाफाश, पकड़ी लगभग 48 लाख रुपए की अवैध शराब। खरगोन जिले की कसरावत पुलिस द्वारा एक अंतरराज्यीय अवैध शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। कसरावत थाना प्रभारी वरुण तिवारी और उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 48 लाख रुपए की अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपी साजिद हुसैन निवासी जयपुर राजस्थान व प्रवेश जाट हरियाणा को हिरासत में लिया। ट्रक में अवैध शराब की 450 पेटी शराब, करीब 4245 ब्लॉक लीटर शराब पुलिस ने जब्त किया है। ट्रक में परमल के थैलों के पीछे रैक बनाकर उसने शराब पेटियां जमाई रखी थी। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि अवैध शराब से भरा ट्रक हरियाणा से तेलंगाना जा रहा था। पुलिस ने शराब सहित कुल 78 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है। एसपी ने कहा कि अवैध शराब अंतरराज्यीय गिरोह के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ट्रक के ड्राइवर बदलकर गिरोह शराब की तस्करी करते हैं। यह दोनों आरोपी धुलिया तक जा रहे थे, इसके बाद अन्य व्यक्ति के सहारे आगे ट्रक रवाना होता। अवैध शराब गिरोह के नेटवर्क के तार कहां कहां से जुड़े हैं, पुलिस शराब फैक्ट्री सहित तस्कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाएगी। देखिए, इसमें ये हुआ है कि जो हमारी कसरावत पुलिस थाना था, उसके जो प्रभारी हैं वरुण तिवारी, इनको अपने मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि जिसमें ये शराब भर के एक कंटेनर जो है वो ले जाने की जानकारी मिली थी। तो इसमें जब पुलिस ने सूचना मिलते ही इसमें चेकिंग लगाई और जिस गाड़ी के विषय में बताया था उसको रोक के जब उसमें चेकिंग की गई तो पहले तो उसमें पाया गया कि उसमें परमल के बोरे जो हैं वो भरे हुए थे। उन बोरों को जब खाली करके देखा गया तो पूरा अंदर एक बोरे की पूरी रैक बनी थी जिसके अंदर करीब 450 पेटी जो है अवैध शराब उसमें रखी गई थी। ये कुल करीब 4245 लीटर का कुल बल्क वॉल्यूम था और इसकी कुल कीमत करीब 48 लाख रुपये जो है मार्केट वैल्यू इसकी आंकी गई है। इसके साथ साथ जो ट्रक भी है उसको भी पुलिस ने सीज किया है, उसकी भी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए है। इस तरह कुल 78,20,000 रुपए की वैल्यू की जो शराब और उसके ट्रक है वो पुलिस ने जब्त की है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो दो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है जो ट्रक में थे और उनके साथ साथ जो ये पूरा नेटवर्क है जहां से शराब सप्लाई हो रही थी और जहां के लिए जा रही थी वो अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, उसमें अभी विवेचना जारी है। ये संभवतः हरियाणा से इसका सप्लाई चालू हुआ था और इसको तेलंगाना में इसकी डिलीवरी होनी थी। बीच बीच में कई जगह पे ये लोग अपना जो ड्राइवर्स हैं और क्लीनर हैं उनको बदल देते थे, तो अभी जिनको हमने पकड़ा वो बेसिकली इसको धुलिया तक इनको ड्रॉप करना था, वहां पर इनको कोई नया व्यक्ति मिलता। तो ये पूरा एक संगठित गिरोह का कहीं ना कहीं इसमें काम है और हम इसका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, ये पूरा हरियाणा से जो हमें जानकारी अभी मिली है प्रथम दृष्टया कि हरियाणा से सस्ती शराब लेके इसको पूरा क्रॉस करते हुए जो दक्षिण के राज्य हैं विशेष तौर पर तेलंगाना वगैरह जहां पे शराब की कीमत काफी ज्यादा है वहां पे ले जाके इसको भारी मुनाफे में इसको ये लोग बेचते हैं। सर, जो आरोपी कंपनी से माल निकला होगा लेबल पे ब्रेवरेज कंपनी का, ये लोग ये सर उस पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इसमें हम लोग पता लगाने का अभी जांच में इसको पता लगा रहे हैं कि ये कहाँ से निकली है, किस मेक की शराब है और किस बैच नंबर वगैरह से और जो इसकी सील है उससे पता लगाएंगे कि कहाँ से कौन सी डिस्टिलरी से निकली है, उसके आधार पर शराब की कार्रवाई। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट, खरगोन।